मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के दिन में तुम्हारा स्वागत है भाई साहब। आज का दिन है, कौन सा दिन है? आज वेंसडे का दिन है। आज मेरी दो क्लासेस है, पहले वाली में प्रेजेंटेशन है फाइनल, दूसरे वाले में टेस्ट है फाइनल, जिसके लिए कल मैंने पढ़ाई कर ली है। मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूं और छोड़ दूंगा मैं आज। मैं अपनी नई हुडी पहन के जा रहा हूं। कैसी लग रही है मेरी हुडी? लग रहा हूं शानदार, लग रहा हूं। इसको ऐसे भी करके जा सकते हैं, थोड़ा ऐसी लुक आएगी, ऐसे भी करके जा सकते हैं, थोड़ी ऐसी लुक आएगी। तो मुझे पता है, ये देखो फैशन इन्फ्लुएंसर 101 चल रहा है यहां पूरा। यार इस हुडी पे ना मैंने अभी देखा, पहले तो मैंने एम ही उठा ली थी, देखो इसमें फेल लिखा है। ये बिल्कुल नहीं होना हमें कभी भी। हम पास होएंगे और पास क्या, हम सक्सेसफुल होएंगे। और एग्जाम में स्कूल में देखो टॉप मारने से कुछ नहीं होता, जिंदगी में टॉप मारना इंपॉर्टेंट है। तो इसके फेल को ना जरा मैं ब्लैक मार्कर से काटा लगा दूंगा, ब्लैक मार्कर देखता हूँ कहीं से मिलता है तो। 10:45 AM इन द मॉर्निंग, 11 बजे मेरी पहली क्लास है जिसमें मेरी प्रेजेंटेशन है। अब वो ग्रुप प्रेजेंटेशन है और मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरी प्रेजेंटेशन है। मेरी क्या मतलब, हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन है। तो शुक्र हो रमनीक का, क्योंकि वो भी मेरे ग्रुप में है। तो उसने कल रात को 11:30 बजे के आसपास मैसेज किया और बोला कि क्या सब रेडी है प्रेजेंटेशन के लिए। वो तो उसने मैसेज करके ऐसे थोड़ा आगाह कर दिया हमें कि कल प्रेजेंटेशन है। वरना देखो मैं तो सीधा सेकंड वाली क्लास में जाने वाला था, क्योंकि पढ़ाई तो खत्म हो गई है, तो फर्स्ट क्लास में जाके कोई पॉइंट नहीं था। सेकंड वाले में टेस्ट था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा सो के सीधा टेस्ट सेकंड वाले में ही जाऊंगा, कोई फायदा तो है नहीं पहली वाले में जाने का। तो आज मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन है इस सब्जेक्ट की। लेकिन देखो मजे की बात तो यह है कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या प्रेजेंटेशन है और मुझे क्या प्रेजेंट करना है। मतलब अच्छे से नहीं पता मुझे, बहुत ही ज्यादा ऊपर से रफ आइडिया है। पर कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। बोलना मैं कर देता हूँ, प्रेजेंटेशन तैयार है, मुझे जाके स्लाइड में बोलना है, बोल तो मैं देता हूँ, मुझे उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। फिलहाल तो बस आ गई है बस। ये अरे आधे रास्ते में ये क्या कर रहा है? चल आगे चल, शाबाश। जैसे बाकी यूजुअली लोगों को आते हैं ना प्रेजेंटेशन में तैयारी करनी है, करना होगा, मुझे उस सब में कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं उसमें तो मस्त बोल देता हूँ। देखो जस्ट इन टाइम आया हूँ मैं, तैयारी चल रही है प्रेजेंटेशन। देखता हूँ क्या बोलना है, मुझे भी नहीं पता क्या बोलना है। फिर भी मैंने फोड़ दिया। देखो मेरा ऐसे ही है, मैं नेचुरली इंटेलिजेंट हूँ ना, एकदम जेन्युइनली स्मार्ट इंसान जैसे होते हैं ना। बग बग ही करनी थी मैंने तो कर दी बग बग। तो रमनीक ने बता दिया, भला हो इसका कि आज प्रेजेंटेशन है, वरना तो मैं सो रहा होता इस टाइम पे। मुझे भरोसा था पूरा कि तू मिस करेगा, मैंने सुबह उठ के भी इसीलिए कॉल किया, मैंने कहा बस भी नहीं आए, पक्का मिस करेगा। अब हम सब लोग तैयार है टेस्ट के लिए। इनका तो हो गया। कह रहे हैं बहुत आसान है, 100-100 नंबर आए हैं। नहीं, इनके 100 आ रहे हैं तो मेरे तो 110-120 के करीब आ ही जाएंगे। देखो तो मैं तो पता ही लेजेंड स्टेटस में ऑपरेट करता हूँ ना, मैं ये नॉर्मल नहीं करता। मुझे ना पीछे रहना अच्छा नहीं लगता, मेरा विनर्स माइंडसेट है ना। मैंने बचपन में क्रिकेट खेल खेल के आया है कि मेरे को जीतना है, आउट नहीं होना है ऐसे। भाई हमें फॉर्मूला शीट अलाउड है, देखो क्या क्रेजी फॉर्मूला शीट बना के लाया, एकदम नीट एंड टाइडी भाई, कमाल कर दिया मैंने। इसकी देखो कितनी साफ सुथरी है, ऐसे ही है मेरा काम। तो मैं तो पूरा तैयार हो चुका हूँ अपनी फॉर्मूला शीट और अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर के साथ में, रंग जमाने के लिए और एग्जाम फोड़ने के लिए। फोड़ दूंगा मैं, नहीं आया तो फाड़ के फेंक दूंगा मैं। भाई मेरा तो हो गया, अभी सबका हुआ नहीं है, मैं तो काफी जल्दी कर दिया भाई, मेरे 95 आए 100 में से। सारी कैलकुलेशन वगैरह सही थी, कुछ चीजों में चलो मैं तुम्हें क्या ही समझाऊंगा। खैर 95 आया मेरा, कमाल कर दिया मैंने, फोड़ दिया भाई साहब, जल्दी भी कितना कर दिया मैंने। किसी का हुआ ही नहीं है, मैं क्या करूं यहां पे अकेले टहलते टहलते। अभी तो मीटिंग है हमारी, टीम मीटिंग है, इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा, वरना तो मैं निकल जाता। रमनीक के नंबर मिले नहीं है पर इसके मुझसे कम आएंगे। और इसके 95 आए हैं भाई, पूरे टाइम पढ़ती रहती है। मेरे भी 95 आए हैं, कुछ नहीं पढ़ता मैं। What did you say? Nothing. यहाँ से बेगल लेने का प्लान था, पता नहीं अब ये सब लोग कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। अब हम पीनालोपी जा रहे हैं, पीनालोपी कोई होती है जगह? पीनालोपी यार ऋषिका, हम पीनालोपी जा रहे हैं। पीनालोपी व्हाट इज दैट? अरे पीनालोपी, ये देखो भाई, ये क्या हो गया इसे, बीच में जैम हो गया भाई। गाइस दिस इज पिनेलोपीज, मुझे तो कुछ खाने के लिए देखना था। वो बकलावा ले लेता हूँ, $27 का पूरा डब्बा, मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा है इसमें से। बेगल ले लेता हूँ यहाँ से, हलवा भी मिलता है हलावा। मैं हैरान रह गया एकदम से हिंदी बोल दी यार उन्होंने, बदल गया। मैं बिल्कुल हैरान हो गया, ऐसा लग भी नहीं रहा था ना। एक मुझे खाना है आज चीजी बेगल, जो क्रीम चीज और चेडर चीज है। हाँ सही में मैं क्या हो गया, चीजी बेगल कर दो। रमनीक के भी मार्क्स मिल गए, इसके 93 आए हैं, मेरे ज्यादा आए हैं। मीटिंग के लिए सब तैयार है और मेरा बेगल भी तैयार है, मस्त खाना खाऊंगा। चीजी बेगल, ओह माय गॉड, इसके साथ वो सॉस होती ना मैगी की, हॉट एंड स्वीट वाली, तो मजा आ जाता है, हर जगह लग जाता है, मुंह पे उंगलियों पे इसका क्रीम चीज। 4:30 बज रहे हैं, अभी से अंधेरा होना शुरू हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ मेन कैंपस अपने काम के लिए, जो की है पार्ट टाइम जॉब, जो की है वीडियो बनाने के लिए, जिसकी आज लाइव स्ट्रीम होगी। तो देखता हूँ कैसा प्रोसेस रहेगा आज, शायद मेरे साथ और लोग भी होंगे। जो मेन काम करता है वो तो होएगा ही होएगा। चलो भाई मेरा पूरा पार्ट टाइम जॉब का काम खत्म हो चुका है, अभी 8:30 बज रहे हैं रात के, मजाक कर रहा हूँ मैं, अभी बस से उतरा हूँ, आधे घंटे का रास्ता तय करके और पूरा अंधेरा हो चुका है, ऐसा लगता है रात हो गई है यार। सारा सामान ले लिया है, अब हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे। तो आज हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, इसलिए बड़ा वाला ट्राइपॉड ले लिया है और साथ में मेरे बैग में लैपटॉप भी है। तो आज के सेटअप में लैपटॉप भी है, बड़ा वाला ट्राइपॉड है, कैमरा है,
ये माइक है लेकिन उधर माइक नहीं लगाया, कहीं प्रेस फीड से ले रहे हैं, तो जो भी वो अपने माइक में से बोलेंगे वो आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी इस कैमरे के अंदर और इसकी लाइव स्ट्रीम यहाँ पे भी होगी। अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे जो भी व्यू फाइंडर वाली चीजें हैं। 6:30 बज रहे हैं फिलहाल, 6:30 से 9 बजे तक की रिकॉर्डिंग है। कुछ नहीं, बैठूंगा आराम से मैं तो, सब ये लाइव स्ट्रीम होता रहेगा, रिकॉर्ड होता रहेगा। काफी चहल पहल भी हो चुकी है यहाँ पे, तो अभी शूटिंग का काम तो खत्म हो चुका है, अभी कॉपी हो रहा है, इसको रेंडर करके अपलोड वगैरह करना है, वो सब बातें बची है, लेकिन भूख बहुत लग रही है मुझे तो। इस बार अच्छी बात है कि देखो मैं टारगेट से ले आया था अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रोटीन बार है, ये बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए है, लेकिन कोई बात नहीं है, ब्रेकफास्ट है इस बार को थोड़ी पता है ब्रेकफास्ट का टाइम है कि रात के 8:44 हो रहे, इसको थोड़ी ना पता है, अभी खा लूंगा थोड़ा सा पेट भर जाएगा। वैसे तो इवेंट में था, कॉफी वॉफी थी, कुकी वुकी थी, तो मैंने एक कुकी तो खा ली थी, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे ना ठंडे सैंडविच थे। अब यार ठंडे सैंडविच में वो बात नहीं आती ना, अब ठंडा सैंडविच होती है उसमें पता नहीं कौन सी चीज लगी हुई थी, पता नहीं हैम था कि क्या था, वो ठंडा मोटा सैंडविच उसमें पत्ता और हैम, मुझे तो मेरा तो कुछ खास मन हुआ नहीं उसको लेने का, तो मैंने जरा कैंसिल कर दिया वहाँ पे खाने का प्लान, ये खा लेता हूँ जब तक ये सब कार्यक्रम होता है। आज की इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग थी कि 40 GB की तो देखो फाइल ही है, अब इसको पता नहीं रेंडर होने में कितना टाइम लगेगा, अभी ऑलरेडी 9 ही बजने वाले, तो 10 मिनट रह गए, पता नहीं कभी घर जाऊंगा मैं। 33 मिनट्स दिखा रहा है। अब देखो जब तक ये एक्सपोर्ट हो ही रहा है तब तक मैं भी थोड़ी फुटेज एक्सपोर्ट करके एडिटिंग कर लेता हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करना है, करना तो देखो मुझे ये घर जाके करूंगा या अभी करूंगा, अब इस टाइम में रील देखूंगा यूट्यूब वीडियो देखूंगा या एडिट कर लूंगा, या घर जाके फिर रील देखूंगा यूट्यूब वीडियो देखूंगा या एडिट कर लूंगा, देखो काम तो वही रहते हैं और समय भी उतना ही रहता है। वेल टर्न्स आउट कि ये व्लॉग इतना छोटा था कि सिर्फ 5 मिनट 12 सेकंड का बना, वो रेंडर होने में आधा घंटा लगाया उसने, और मैंने इसको 20-25 मिनट में ही एडिट कर दिया क्योंकि मैंने इसको बाद में खोला था, वो रेंडर कंप्लीट हुआ 20-25 मिनट में, अभी अपलोड भी 41% हुआ है, तो इतने में तो मैं कलर भी कर दूंगा, थंबनेल भी निकाल लूंगा, सब खत्म कर दूंगा काम। चलो ये भी अपलोड हो गया है और मेरा व्लॉग भी एडिट हो चुका है, बस कलर करना है, एक्सपोर्ट करना है, काम खत्म हो जाएगा, तो बढ़िया हो गया आज तो। देखो लेट हो चुका है, 9:45 हो चुके हैं, अब बस से तो मैं नहीं ही जाऊंगा, देखो ऊबर से ही जाऊंगा। दस बज के 5 मिनट हो रहे हैं, फटाफट से एडिटिंग खत्म कर लेता हूँ, फिर ही कुछ और चीज देखूंगा कि क्या करना है क्या खाना है, खत्म तो हो ही गई है बेसिकली, बस एक्सपोर्ट ही करना है, वीडियो अपलोड पे लगा दिए, अब निकल रहे हैं फिर से, ऐसे ही है मेरा, कभी कहीं जाता हूँ मैं कभी कहीं जाता हूँ, हैपनिंग जिंदगी होती है ना, तो आदमी का ऐसे ही रहता है, फिर कभी भी सैड लाइफ नहीं होनी चाहिए भाई। अब हम जा रहे हैं मेरी दूसरी वाली प्रॉपर्टी पे, जो मेरी सैन फ्रांसिस्को में दूसरी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर चिल करने के लिए। हाँ केयर टेकर है, देखना पड़ता है ना यार ऐसे कि प्रॉपर्टी किसी और ने कब्जा तो नहीं कर लिया है, क्या मामले है उसके, चेक करना पड़ता है ऐसे। हाँ सेफ नहीं है, कोई जगह सेफ नहीं होती भाई, जब मालिक आता है मालिक की बात अलग ही होती है, चाहे जितने केयर टेकर वगैरह रहे वहाँ पे, मालिक आता है तो एक वट पड़ता है। देखो अभिजीत का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे टू यू अभिजीत। देखा क्या मैंने ट्रिक खेली, कमाल कर दिया मैंने, मैंने इसको अभी ग्रुप पे मैसेज किया हमारे टीम मीटिंग वाले ग्रुप पे कि मैं अभी तुझे सबक सिखाने आ रहा हूँ, और मैं एकदम आ गया, घंटी बजा दी मैंने, एकदम कार्तिक कॉलिंग कार्तिक हो गया, मैंने कुछ खाया नहीं, तुम्हारे पास खाना है तो मुझे दे दो। ठीक है खाना खा लूंगा मैं, थोड़ा समोसे आवे चिकन आवे, ये पार्टी हो रही है मेरे हिसाब से 16 सेकंड ये वाले और हो जाएगा फिर बढ़िया हो जाएंगे एकदम। समोसे पार्टी हो रही है, पहली बार पार्टी में तुझे कुछ खाने पीने को मिला है। अबे सही में यार, वरना हमेशा ये लोग दारू पी रहे, दारू जिस पार्टी में मैं गया हूँ दारू ही चलती रहती है, आदमी के पास खाना ही नहीं होता। चलो यार 4 समोसे मुंह में तो लगेंगे किसी के। यार ये रमदीक समोसे का टोबैस्को खिलवा रहा है यार, जचती नहीं है कोई, इनका कोई मेल ही नहीं है आपस में, मेल तो हो चीज का। अच्छा ग्रीन चटनी भी है हमारे पास, यार ऐसी बात नहीं है। अच्छा नहीं भी होता तभी बेटा भाई, बहुत बढ़िया है यार मजाक सट के, अभी यहाँ पे मिलते ही नहीं है ये सब चीजें, जब मिले तो अपना आदमी खुश हो जाए उसमें, यही वाइब होती है यहाँ की। ये साग पास्ता बना दूं यार, कैसी बातें कर रहा है यार, साग नहीं खाता मैं, मैंने बचपन से ही साग नहीं खाया है, अब क्यों साग खाऊंगा मैं, साग पनीर तो खा सकता है, साग पनीर तो पालक पनीर ही हो गया, नहीं खाता मैं पालक पनीर, सरसों का है भाई, सरसों का साग नहीं खाता मैं, पालक का नहीं खाता, सरसों का नहीं खाता, नॉर्मल पास्ता बना दे। हाँ इसमें हम तीनों बहुत है, तीन लोग कैसे खाएंगे इसके अंदर, नहीं होगा प्यारा हो चुका है, क्योंकि भगवान को प्यारा तो वो पहले ही हो गया था ना बेचारा, अब साग ही बन रहा है फिर। कंफर्ट जोन से बाहर आया हूँ ना मैं, अपना इंडिया छोड़ के, देश छोड़ के, पूरे घर की कंफर्ट छोड़ के, घर का खाना छोड़ के, मेहनत करने आया ना तो साग खा रहा हूँ मैं। चल मैंने हेल्प कर दी अपनी, जल्दी बना लो, फुलके बन रहे हैं, साग बन रहा है, समोसे भी तैयार है अभी, और मस्त खाना मिलेगा आज तो। दही तो आ चुका, ये अचार है ना,
यार अमूल बटर है यार, कम ऑन, आज तो काफी ज्यादा खाने की पार्टी हो गई है। पापड़ नहीं है कि ये मेरी डीलक्स वेज थाली कंप्लीट कैसे होगी? थोड़े राइस, थोड़ा पापड़, एक पनीर की सब्जी, एक दाल, एक ये अपना स्पेशल साग आएगा इसमें, और अचार तो है, चटनी भी है, दही भी है। मुझे लगता है दही से ना रायता बना लेना चाहिए, वो बूंदी वाला ना, वो इसमें अच्छा लगेगा। चालू कर। अरे हाँ, बटर तो बनता है मेरे में, आधी टिक्की बटर डलता है कम से कम। हाँ, बटर से फील। खैर मैंने खा के देख लिया एक बार, मुझे बढ़िया लग रहा है। डे शुरू होने वाला है, सब लोग एकत्रित हो गए हैं आज बर्थडे की सभा में। आज कोई ये कितना छोटा वीडियो बना देना जिसमें केक कट रहा हो, कोई गाली ना दे रहा हो। तो जब केक कट रहा होगा तब कोई गाली मत देना, बस मैं उतना पार्टी को अभी दे दूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक तो बढ़िया लग रहा है भाई। चुगनी कैंडी इंग्लिश बोल जाती कन्ने टे मासी कौन।